क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, वेक्टरों का सदिश गुणन और अदिश गुणन मैंने आपको कल बताया था, तो आज उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको उसके ऊपर करवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो सदिशों के परिमाण 3 व 4 हों तो उनके अदिश गुणन का परिमाण 6 आता है, सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, तो ये जो एंगल निकालने वाले सवाल हैं मोस्टली यही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके पास दो वेक्टर हैं, कोई भी ए एंड बी आपने मान लिया। अब देखो, ए का जो मान दिया हुआ है, परिमाण, परिमाण बोलते हैं मान को, तो इसको लिखेंगे हम मोड के अंदर, तो मोड ऑफ ए यानी ए का परिमाण बराबर 3 और बी का परिमाण कितना दिया है 4। ये चीज़ें हमें दे रखी है तो मैंने लिख दिया। इसके बाद इसने क्या किया है कि दोनों के अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट गुणा, तो ए डॉट बी बराबर 6। फॉर्मूला होता है आपके पास ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यहाँ से आपने वैल्यू रखी है, 6 इधर हुआ, 6 इधर बना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 0, इस तरह से सॉल्व करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वैक्टरों, ये पहला वेक्टर दे दिया, ये दूसरा वेक्टर दे दिया, 4i + j + 3k 11i + 11j + 11k का अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। इसमें उसने लंब कोणीय एकांक सदिश दिए हैं, राइट। x एक्सिस की डायरेक्शन में i होता है, y एक्सिस की डायरेक्शन में j होता है, k एक्सिस के, k जो होता है ये z एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो देखें, सबसे पहले वेक्टर a आपने लिख दिया, वेक्टर b ये आपको गिवन दिया गया है। इसके बाद a डॉट b करना है, तो a डॉट b जब आप करेंगे तो सिर्फ जो सेम वाले होंगे, सेम लंब कोणीय एकांक सदिश जो होंगे उन्हीं की मल्टीप्लाई होगी, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोण 90 डिग्री आ जाता है और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो सिर्फ एक ही दिशा वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो i i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, j j से मल्टीप्लाई होगा, k k से मल्टीप्लाई होगा। कुल मिला के आपने न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई अलग कर ली और ये जो आपका आ रहा है बाद में i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इसका मान 1 होता है तीनों का, तो कुल मिलाकर ऐसा सॉल्व करके रूट बी की जो वैल्यू निकली है वो 88 आई। ओके,